हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो, जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 25 जुलाई के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077, मास चल रहा है श्रावण का, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि है, शनिवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है शिव और करण है बालव। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो नागपंचमी का पर्व आज, विशेष पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष आज आपको मानसिक और आर्थिक कष्ट दे सकता है। थोड़ी सी पीड़ा आज आपको संतान पक्ष से मिल सकती है। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में करने से आज आपको बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी से मनमुटाव रहेगा, संबंध सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी को रुपए पैसे उधार देने से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति के पक्ष में किए गए प्रयासों के द्वारा आपकी आर्थिक स्थिति आज सुदृढ़ होने की स्थिति आपके लिए बनती है। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आप बचें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिस्थिति प्रतिकूल अर्थात विषम रहने से आर्थिक और कारोबारी स्थिति में उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आप बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए घरेलू उलझनें परेशान करेंगी, किसी से झगड़ा, वाद विवाद, बहस की स्थिति भी सामने आ सकती है। इस परिस्थिति से आपको अपनी समझदारी से, सूझबूझ से बच करके निकलना होगा। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उतार चढ़ाव का पलड़ा भारी दिखाई देता है। आर्थिक स्थिति आपके पुरुषार्थ से यानी आपकी मेहनत से जुड़ी हुई रहने वाली है। ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम करने के बाद भी सफलता की गति आज थोड़ी धीमी हो सकती है। ओम श्रीदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और निराश किसी भी स्थिति में नहीं आपको होना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ तनाव बढ़ेगा, विद्यार्थियों को सफलता के लिए कठिन मेहनत प्रयास करना पड़ सकता है। ओम श्री कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपना बहुमूल्य समय आप नष्ट न करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति का प्रत्यक्ष संबंध आपके जोश, उत्साह और पुरुषार्थ के भाव से बना हुआ रहने वाला है। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धैर्य का साथ आप किसी भी स्थिति में न छोड़ें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिश्रम करने पर भी कार्य में सफलता में संदेह दिखाई देता है। फिर भी निरंतर परिश्रम, प्रयत्न करने से कार्य सफल होने की संभावना आपके लिए बनेगी। ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा करने से आप बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको सेहत संबंधी विशेष सचेत रहना होगा। घरेलू समस्याएं और उलझने आज बढ़ सकती हैं, खर्च भी बढ़ेगा, जिसके चलते आपको कुछ तनाव आज हो सकता है। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मेहनत परिश्रम से आप पीछे न हटें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए शत्रु पक्ष निष्क्रिय बना रहेगा। बड़ी योजनाओं पर निर्णय करने के लिए यह समय अभी आपके पक्ष में, आपके हित में नहीं दिखाई देता। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ज्यादा बोलने से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं आर्थिक तंगी से छुटकारा तो इस नागपंचमी पर कुछ विशेष टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले के एपिसोड में भी हम लोगों ने नागपंचमी से जुड़े हुए टोटकों की बात की थी। उन वीडियोस को भी देखिए, उन टोटकों को भी देखिए और जो अभी आपको टोटके बताने जा रहा हूं इनको भी, आपको जो ठीक लगता हो उसको अगर आप करें तो आपको आपके आर्थिक कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलेगी।
हमारे शास्त्रों का ऐसा वर्णन है कि नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से धन के साथ आध्यात्मिक शक्ति की भी प्राप्ति होती है। हिंदू परंपराओं में नाग देवता को नाग को देवता मान करके उनकी पूजा का विशेष महत्व शास्त्रों में वर्णित है। नाग की पूजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन यानी नागपंचमी के पर्व को अगर आप करते हैं तो भगवान शिव के आभूषण के स्वरूप में भगवान महादेव इनको धारण करते हैं, तो नाग की पूजा करने से नाग देवता की कृपा और आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति को धन संबंधी यानी आर्थिक परेशानी है या जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है तो नाग पंचमी पे जो टोटके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन टोटकों को करके आप अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो किस प्रकार आपको सर्प देवता का पूजन करना है ये नियम समझ लीजिए। सुबह जल्दी स्नान करके नागों की पूजा शिव के अंश के रूप में, शिव के आभूषण के रूप में ही आपको करनी चाहिए। पूजन में पहले भगवान शिव का पूजन स्मरण करें, जलाभिषेक, बिल्वपत्र, पुष्प आदि समर्पित करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। भगवान शिव की पूजा के बाद शंकर जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करें। नागों को हल्दी, रोली, चावल और पुष्प बेलपत्र वगैरह आपको समर्पित करना चाहिए। इसके बाद चने, खील, बताशे और थोड़ा सा कच्चा दूध प्रतीकात्मक रूप से आपको सर्प आभूषण पर समर्पित करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से या फिर गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बना करके उनकी विधिवत पूजा करने का नियम हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होने के साथ साथ घर में आने वाली विपत्तियां भी सदैव दूर रहती हैं और ये परंपरा अपने परिवार में हम लोग सदियों से देखते आ रहे हैं। ये नियम हमारे यहाँ संस्कारों में हमेशा चलता चला आ रहा है। एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर के ओम कुरु कुल्लई फट स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूरे घर में सिद्ध किया हुआ ये गंगा जल आपको छिड़कना चाहिए। इससे नाग देवता का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलता है और भगवान शिव की सदैव कृपा भी परिवार पर बनी रहती है। इसके अलावा सर्प देवता की पूजा का एक विशेष उपाय भी आपको बताता हूँ, जिससे आपकी कुंडली में अगर राहु केतु का कोई अशुभ प्रभाव होगा या कालसर्प दोष वगैरह बन रहा होगा या शनि का अशुभ प्रभाव होगा तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कैसे सर्प देवता की आकृति बना करके उनकी प्रतिष्ठा करके आपको पूजा करना चाहिए ये नियम आप समझ लीजिए। सबसे पहले करना यह है कि एक बड़ी रस्सी में 7 गांठ लगा करके प्रतीकात्मक रूप से उससे आप सर्प बना लीजिए। इसे एक आसन पर स्थापित करने के बाद इस पर कच्चा दूध, बताशा, फूल अर्पित करने के बाद गुगल की धूप भी आपको दिखाना चाहिए। इसके पहले राहु का मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का 108 बार जाप करने के बाद केतु देवता का मंत्र ओम किंग केतवे नमः इसका भी 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र जाप पूरा होने के बाद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए रस्सी की गांठों को एक एक करके आपको खोलना होगा और उस रस्सी को किसी बहते हुए जल में, नदी वगैरह में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से राहु और केतु से संबंधित जीवन की समस्त प्रकार की समस्याएं जो हैं वह दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये शास्त्रीय जानकारियाँ, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997-24131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर।
इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।